आजकल स्मार्टफोन मार्केट पे इतने सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर बात करें फ्लैगशिप सेगमेंट की तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इन फोन्स के प्राइसेस ज्यादा होते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपए फोन पर खर्च कर रहे हैं तो यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग देयर। तो चलिए आज के इस टेक इट इजी वीडियो में दो फ्लैगशिप डिवाइसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और वन प्लस 8 प्रो को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौन सा एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स के डिजाइन की। तो वन प्लस 8 प्रो और गैलेक्सी नोट 20 दोनों दिखने में एक दूसरे से एकदम अलग है, पूरी तरह से अलग है और यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है इन फोन्स की बिल्ड क्वालिटी में। जहाँ आजकल मिड रेंज सेगमेंट में भी फोन्स ग्लास बैक के साथ आते हैं, ग्लास पैनल के साथ आते हैं, सैमसंग ने नोट 20 में प्लास्टिक बैक दिया है, दे कॉल इट ग्लास्टिक। तो जो प्रीमियम फील ग्लास पैनल पर आती है वो यहाँ पर शायद मिसिंग है। वहीं यू गेट अ ग्लास बैक ऑन वन प्लस 8 प्रो विद फ्रॉस्टेड मेटे फिनिश और ये हाथ में एक प्रीमियम फील देता है। आई जस्ट डोंट नो सैमसंग यहाँ पर प्लास्टिक बैग के साथ क्यों गया है, मतलब ऑलमोस्ट 80 हज़ार रुपए का फोन है एंड यू डोंट गेट अ ग्लास बैक एट रियर, दिस इज स्ट्रेंज। वेट की बात करें तो दोनों फोन्स में ज्यादा फर्क नहीं है, वन प्लस 8 प्रो इज 199 ग्राम्स एंड नोट 20 इज 191 ग्राम्स। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। वन प्लस 8 प्रो में आपको मिलती है 6.78 इंच की क्वाड एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले विद 1440x3168 पिक्सल्स रिजोल्यूशन। वहीं नोट 20 में है 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 1080x2400 पिक्सल्स रिजोल्यूशन। तो पिक्सल्स के मामले में यहाँ पर वन प्लस 8 प्रो थोड़ा सा आगे। डिजाइन की तरह यहाँ पर भी दोनों फोन्स में मेजर डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल यू गेट अ फ्लैट स्क्रीन इन नोट 20 बल्कि जबकि वन प्लस 8 प्रो में कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। साथ ही वन प्लस 8 प्रो हैज अ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले जबकि नोट 20 में आपको 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलती है विच इज अ सेटबैक। आई मीन आजकल आपको 20,000 रुपए से कम में 90 हर्ट्ज पैनल मिल जाता है बट सैमसंग ने नोट 20 में 60 हर्ट्ज पैनल रखा है। तो अगर विजुअल एक्सपीरियंस की बात करें तो वन प्लस 8 प्रो काफी बेहतर है। Now let's talk about the processor and software part. OnePlus 8 Pro में मिलता है Snapdragon 865 chipset और यहाँ पर दो RAM और storage options हैं, 8GB 128GB और 12GB 256GB। वहीं Note 20 में Samsung हमेशा की तरह इंडिया में Exynos के साथ गया है और यहाँ पर आपको मिलता है Exynos 990, सेम प्रोसेसर जो S20 सीरीज में था। Note 20 सिर्फ एक स्टोरेज वेरियंट में आता है 8GB और 256GB। एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन दोनों ही फोन्स में नहीं है लेकिन इफ यू लुक एट द चिपसेट्स तो स्नैपड्रैगन 865 इज एनी डे बेटर डील देन एक्साइनोस 990। परफॉर्मेंस में और बैटरी लाइफ में स्नैपड्रैगन 865 इज बेटर देन एक्साइनोस 990। और अगर गेमिंग की बात करें तो ये डिफरेंस और ज्यादा एविडेंट हो जाता है बिकॉज एक्साइनोस 990 पर आप जब गेमिंग करते हैं तो कुछ हीटिंग इश्यूज भी आते हैं और थोड़ा लैग भी होता है, वेयर एज 865 हैंडल्स गेमिंग वेरी वेल। इनफैक्ट स्नैपड्रैगन 855 प्लस ऑल्सो परफॉर्म्स बेटर देन एक्साइनोस 990 व्हेन इट कम्स टू हैवी गेमिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। गैलेक्सी नोट 20 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विद 12MP प्राइमरी कैमरा, 64MP टेलीफोटो लेंस एंड 12MP का जो है वहां पर वो अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है एंड फ्रंट पर आपको 10MP का सेंसर मिलता है। वहीं वन प्लस 8 प्रो में क्वाड कैमरा सेटअप है विद 48MP प्राइमरी कैमरा, 48MP का ही अल्ट्रावाइड लेंस है, 8MP का टेलीफोटो कैमरा है और साथ ही एक 5MP का कलर फिल्टर लेंस है। वन प्लस 8 प्रो का सेल्फी कैमरा है 16MP का। इन कैमरा डिपार्टमेंट बोथ फोन्स आर एट पार विद ईच अदर, दोनों अच्छे फोटोज क्लिक करते हैं। एक और मेजर डिफरेंस जो इन दोनों फोन्स में है वो है एस पेन जो सिर्फ आपको नोट सीरीज में ही मिलता है। पर आजकल लोग डिजिटल असिस्टेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं और फोन में स्टाइलिस का जो रोल है वो अब काफ़ी कम होता जा रहा है और ये रिडंडेंट होते जा रहे हैं। हाउएवर इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस। और अगर बैटरी को देखें तो नोट 20 में 4300mAh की बैटरी मिलती है जबकि वन प्लस 8 प्रो में आपको 4510mAh का सेल मिलता है। नाउ लेट्स डिस्कस देयर प्राइसिंग। वन प्लस 8 प्रो स्टार्ट्स एट 35,000 जबकि नोट 20 के प्राइस हैं 78,000 रुपए। मतलब नोट 20 के लिए आपको 23,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं और मिलता क्या है, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, फ्लैट स्क्रीन, एक्साइनोस 990 और प्लास्टिक बैग जो एक 40,000 रुपए के फोन वाले स्पेक्स। गैलेक्सी नोट 20 वर्सेज वन प्लस 8 प्रो में वन प्लस 8 प्रो इज अ वे बेटर डील बिकॉज हियर यू गेट अ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले पैनल, कर्व्ड स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 865 एंड अ लार्जर बैटरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर सेविंग 22,000 रुपीज। आपकी इन दोनों फोन्स के बारे में क्या राय है ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहें एबीपी अंकल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।